कर दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय राधा की, तो राधा खुद इस चीज़ को बोल रही हैं कि दामिनी इस घर के लिए सही नहीं है और दामिनी को जितना जल्द हो सके इस घर से बाहर निकाल फेंको। क्योंकि दोस्तों दामिनी और दामिनी की माँ को इस घर से बाहर निकालने के लिए आखिरकार अब राधा बोलती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि वो प्रार्थना ही कर सकती हैं इस वक्त मोहन और मोहन की माँ के साथ। हालांकि दोस्तों मोहन की बात की जाए तो मोहन इस समय वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस नज़र आ रहा है राधा से, क्योंकि राधा हमेशा जो डिसीजन लेती है, जो अच्छा करती हैं, वो हमेशा परिवार के पक्ष के लिए है। और दामिनी इस समय परेशान हो चुकी है, क्योंकि दामिनी को लग रहा है कि इस समय इस परिवार में राधा की ही चल रही है, राधा का राज आ चुका है, अब मेरा क्या होगा। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बात की जाए आखिर दामिनी की, तो दामिनी को कैसे हराना है ये चीज़ अब राधा टोहती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि राधा ने पहले ही बोल दिया था कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम आँख मीचने वालों में से नहीं हैं, हम देख लेंगे कि कब क्या और कैसे करना है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं इस समय कहानी में वाकई में चार चांद लगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और वाकई में दोस्तों ये खासियत रही है कि जितना जल्द हो सके राधा को इस घर से अगर बाहर फेंक दिया गया तो सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ चंगा हो सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय राधा ने जो जीवन खोल रही है वो यही है कि किसी भी तरीका से दामिनी को निकालो। क्योंकि दोस्तों दामिनी एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा हर किसी की बुराई के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और दामिनी यहाँ तक कि गुनगुन के ऊपर हाथ भी उठाने का बहुत बड़ा प्रयास करती हुई नज़र आई है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़ कर अनुरोध करना चाहूँगा, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। थैंक यू सो मच।